नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, टीम इंडिया के किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ए पार्थिव पटेल, बी रविंद्र जडेजा, सी सौरव गांगुली या डी राहुल द्रविड़। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया के भागलपुर में तीन अंचलों में अवस्थित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू। देश भर के बड़े घोटालों में शुमार भागलपुर में हुए सृजन घोटाला मामले में गुरुवार को सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद घोटाले और संलिप्त आरोपियों और इससे जुड़े अन्य सफेदपोशों में हड़कंप मच गया है। दरअसल सीबीआई के विशेष अदालत के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी तिलकामांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी निवासी अवधेश कुमार के पुत्र अमित कुमार और अमित कुमार की पत्नी यानी अवधेश साहू की बहू रजनी प्रिया की 2,62,00,000 की जमीन और मकान को जब्त कर लिया है। अमित कुमार और रजनी प्रिया की ये बेस कीमती मकान और जमीन नाथनगर, जगदीशपुर और सबौर अंचल में 15 स्थानों पर अवस्थित है। वहीं पूरी कार्रवाई के लिए सीबीआई के निर्देश पर बुधवार की शाम से ही जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारी कर ली गई थी। बुधवार की देर शाम सदर एसडीओ आशीष नारायण ने एक पत्र जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी थी। एसडीओ ने नाथनगर अंचल में कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी राजेश कुमार को और जगदीशपुर अंचल के लिए अंचलाधिकारी संजीव कुमार को पूरी कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया था, जबकि सबौर अंचल में होने वाली जब्ती कार्य के लिए अंचलाधिकारी विक्रम भास्कर झा को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कर पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की जिम्मेवारी सौंपी थी। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में जांच टीम के द्वारा किया गया निरीक्षण। सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में स्वच्छता को लेकर कटिहार एवं बांका से पीयर असिस्टेंट की टीम जांच हेतु पहुंची। इस दौरान रेफरल अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात कर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हुए कई सलाह भी दिया है। यकीन जिला सलाहकार जी, गुणवत्ता यकीन, गुणवत्ता यकीन। हाँ, कटिहार, नाम हो गया डॉक्टर किसले कुमार और सेम पोस्ट पे बाका लिख दीजिए डॉक्टर जावेद। बात दोनों का एक ही हुआ, सर का कटहार कायाकल्प जो भारत सरकार का कायाकल्प प्रोग्राम के लिए स्वच्छ भारत अभियान वाला जो की स्कीम है कि पेशेंट को सेटिस्फेक्शन के लिए स्वच्छता अभियान कहते हैं, ठीक, ताकि हम जो सरकार जो सुविधा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रही है पेशेंट को, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो इसीलिए जो है सरकार जो है इस पर विशेष जोर दे रही है अभी, ताकि आम आदमी को जो है अच्छे स्वास्थ्य जो है सुविधा उपलब्ध होना जाए, ठीक है। क्या नाम है अच्छा साहब? डॉक्टर किसले कुमार। लोगों को इसको आप ठीक करें, ताकि यहाँ पर नई नई बीमारी लेकर आने वाले पेशेंट जो हैं नई बीमारियाँ यहाँ से लेकर के ना जाएं। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सलाह दिया गया, सफाई सुथराई हॉस्पिटल के अंदर मेंटेन करने के लिए सलाह दिया गया, और
इस तरीके से प्रशिक्षण मतलब इसका जांच जो हो गया, जांच होने के बाद जांच उपरांत जो भी मतलब सुझाव था वो इनको बताया गया और इस फैसिलिटी का स्कोरिंग किया गया, जिसको हम लोग बाद में डिस्क्लोज करेंगे कि किस कितने ग्रेड पर है, कितने लेवल पर है ये फैसिलिटी। ये सर आप लोग रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेंगे? ये रिपोर्ट हम अपने यहाँ से स्टेट हेल्थ सोसाइटी को सबमिट करेंगे। स्टेट हेल्थ सोसाइटी, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, क्या नाम? राज स्वास्थ्य समिति। हाँ जी जी सर। क्या नाम? मैं डॉक्टर जावेद अली, जिला सलाहकार बांका। नवगछिया, मास्क सिकिंग में 105 लोगों एवं 4 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रम के निर्देश पर पूरी जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास्क सिकिंग अभियान चलाया गया। गुरुवार को मास्क सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 105 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 5250 रुपए जुर्माना वसूला है। वहीं इस दौरान 4 वाहन चालकों से 3500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जगतपुर के पास बस ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 17 यात्री हो गए घायल। परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जगतपुर के पास बस ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 17 यात्री घायल हो गए। घायलों में बांका जिले के बैसी थाना क्षेत्र के अरजपुर निवासी दिलीप कुमार के पुत्र भोला गुप्ता, बेगूसराय जिले के बकरी बाजार थाना के सिनवारी निवासी मनोज पोद्दार, गणेशी सरन के पुत्र कमलेश सरन, रामदेव सरन के पुत्र भिखारी सरन, बेगूसराय जिले के मंझोल थाना के वासुदेवपुर निवासी अमसु के पुत्र अर्जुन ताती, अर्जुन तातू की पत्नी भूमि देवी, खगड़िया जिले के अलोली निवासी अनिल कुमार, बेगूसराय जिले के खुदानंदपुर थाना कुलभी निवासी सीताराम ठाकुर की पत्नी प्रियंका कुमारी, बेगूसराय जिले के चौरी बरियारपुर थाना के पवरा निवासी फिरदौस कुमार की पत्नी काजल कुमारी, महेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी सीता देवी, पुत्र जितेंद्र कुमार, जिले के ही चेरी बरियारपुर थाना के कुंभी निवासी उपेन्द्र शाह के पुत्र अनिल कुमार, बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल निवासी रामस्वरूप शाह के पुत्र कन्हैया शाह, समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाने के मालदा निवासी त्रिवेणी प्रसाद सिंह के पुत्र सुनील कुमार सिंह, जिले के ही बखरी बाजार निवासी सुखो सिंह के पुत्र रामधुन सिंह, जिले के चेरी बरियारपुर थाना के नारायणपुर निवासी राम नारायण ठाकुर के पुत्र अरुण ठाकुर, जिले के ही मंजोर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर निवासी अर्जुन ताती की पत्नी बिमली ताती, जिले के ही बकरी बाजार थाना के अम्बूर निवासी बंगली शाह के पुत्र रामाशीष शाह हैं। सभी घायलों को परबत्ता थाने की पुलिस ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। भिखारी सरन की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पूछे जाने पर परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि बेगूसराय से कोलकाता जा रही जगदम्बा ट्रेवल को जगतपुर के पास सामने से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें 17 लोग घायल हो गए थे। वहीं घटना के पश्चात ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इस संबंध में परबत्ता थाने में ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध लापरवाही व तेज गति से गाड़ी चलाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नवगछिया के जीबी कॉलेज में एनसीसी ने चलाया स्वच्छता पखवाड़ा। नवगछिया में एनसीसी ऑफिसर फिरोज अहमद के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 15 दिसंबर तक चलेगा। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को गजाधर भगत महाविद्यालय के गजाधर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर शिवशंकर मंडल, सीनियर अंडर ऑफिसर राजेश कुमार, सीनियर ऑफिसर सुमन कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, प्रियदर्शी सहित कई अन्य उपस्थित थे। बिहपुर नरकटिया बांध की स्थिति चिंताजनक, स्लिप कर रहा जियो बैग। खरीक व बिहपुर प्रखंड के नरकटिया ननकार की स्थिति चिंताजनक हो गई है। गंगा नदी के घटते क्रम में बांध के नीचे पानी का स्तर गिर रहा है, जिसके कारण नवनिर्मित बांध पर दिया गया जियो बैग स्लिप कर गंगा नदी में समाने लगा है। बांध के समीप बसे ग्रामीण रोहिन दास, लाल बहादुर दास, मदन दास, ज्ञान दास, रंजीत दास, मंटू दास, संजय डोम, भादो सिंह, सुनील सिंह, बालकिशन सिंह, कैलाश सिंह सहित अन्य ने कहा कि इस वर्ष गंगा नदी में बाढ़ के समय कम
कम पानी होने के कारण जियो बैग से बने तटबंध किसी तरह से बचाया गया था, लेकिन आए दिन जब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी या फिर कटाव प्रभावित हो जाएगा तो नरकटिया के पास बांध के ध्वस्त होने की संभावना बलवती हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे इलाके में भारी तबाही होगी और नरकटिया गाँव के एक दर्जन से अधिक परिवार बेघर हो जाएंगे। पूछे जाने पर जल संसाधन विभाग नौगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि नरकटिया के पास बांध मरम्मत का प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि इस बार मानसून से पहले नरकटिया बांध को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। विश्व मानवाधिकार दिवस पर सराफ कॉलेज में आयोजित हुआ अधिकार और कर्तव्य पर परिचर्चा। विश्व मानवाधिकार दिवस पर गुरुवार को नौगछिया स्थित बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसाल में NSS इकाई द्वारा अधिकार और कर्तव्य विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसका संचालन शिक्षक संघ के सचिव रामानंद सिंह ने किया तथा अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद नईमुद्दीन ने की। मौके पर कॉलेज के वरीय शिक्षक अनिल मंडल एवं सचिव रामानंद सिंह तथा अध्यक्ष अनिल यादव ने शिक्षक एवं छात्रों को अपने अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहने की बात कही है। मौके पर NSS इकाई के संचालक प्रेमचंद्र राजपाल और राजेश कनोडिया सहित कॉलेज के दर्जनों शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र मौजूद थे। ढोलबजा में शहीद नारायण सिंह की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। CPI कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को ढोलबजा के पचगछिया टोला कदवा में शहीद नारायण सिंह के 16वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस अवसर पर CPI के राज्य परिषद सदस्य सीताराम राय, पंचायत के मुखिया अजय कुमार, जिला परिषद सदस्य चमकलाल सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया, संदिग्ध परिस्थिति में युवक की गई जान। नवगछिया के बरबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली गांव में बीजो राय के 25 वर्षीय पुत्र मिथुन राय का संदिग्ध अवस्था में मौत हो गया है। मृतक के परिजन प्रकाश मंडल ने बताया, मिथुन अपने घर में बांस का टटिया बना रहा था। टटिया बनाते समय पेट दर्द करने लगा, जिसके बाद ग्रामीण डॉक्टर को बुलाया गया, जो इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए बोला। वहीं गांव से इलाज कराने भागलपुर जाने के क्रम में रास्ते में ही मिथुन की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तभी किसी ने परबत्ता पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परबत्ता थाने पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि मिथुन घर में टटिया बना रहा था, इसी दौरान पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। बत्ती मोट है रे, टटिया बनवे के लिए तो बत्ती मोड़ते मोड़ते पेट में दर्द उठ गया। दौड़ी डॉक्टर अखन जीते जीते तब तक में डॉक्टर अखते तब में टूट गया। कहाँ पर? जब तेली में। कहाँ पड़े छे? जब तेली पड़े छे। कौन थाना अथी पड़े छे? थाना परबत्ता। परबत्ता पड़े छे। की नाम छे? मिथुन। मिथुन। पिता? पिता बिजोरा। उम्र की होता है? 25। कहाँ में बत्ती मोट है? कहाँ पर? जब तेली में। घर है ना? कौन डॉक्टर यहाँ लगे लो? गाँव में एक डॉक्टर रहता है, ता तक में घर आब खत्म भग गए। कहाँ ले? अभी कहाँ अलो? अभी लड़िए हॉस्पिटल के वहाँ लिखी दिल्क एक डॉक्टर जाइए अथी
हॉस्पिटल में की होगा की लगे पोस्टमार्टम करे के कारण करवे के कारण हमने सब ने गेल रहे थाना प्रभारी की कल कल कि इसको जो है ना पोस्टमार्टम करना पड़ेगा हमारा सब पंकज मंडल घर साधुपुर। नवगछिया, शराब के नशे में युवक से मारपीट। बुधवार देर रात नौगछिया शहरी क्षेत्र में शराब के नशे में युवक से मारपीट किया गया। मारपीट में जख्मी निवास कुमार ने एसडीपीओ का आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक का कहना है कि बुधवार देर रात गौशाला रोड समीप शिव शंकर ऋषिदेव बजरंगी ऋषिदेव शराब के नशे में बाइक रोककर मारपीट करने लगा। मारपीट की साजिश रचकर उर्मिला देवी बिंदेश्वरी ऋषिदेव ने मारपीट किया है। जेब से 1500 रुपए छीन लिया। शिव शंकर ऋषिदेव ने हथियार के बट से मारकर जख्मी कर दिया है। वहीं इस बाबत एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि पीड़ित युवक की शिकायत दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। उपरोक्त दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के गोसाई गांव के निकट सरेआम छिनतई की घटना। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर गोसाई गांव के निकट निजी कंपनी के डिलीवरी बॉय से गुरुवार की दोपहर के बाद बैखाओ अपराधी ने बाइक पर सवार होकर हथियार के बल पर राजेश कुमार नामक युवक से 24,000 रुपए नगद एवं मोबाइल छीन लिया। इसकी सूचना डिलीवरी बॉय राजेश कुमार ने तत्काल गोपालपुर पुलिस को दिया है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन किया है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। कहां से डिलीवरी देकर वापस आ रहा था वह उसके मोबाइल का डिटेल निकाल कर जांच पड़ताल किया जाएगा। नवगछिया, फरार वारंटी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे थाना क्षेत्र के धोबनिया निवासी अधिवक्ता दीपक उर्फ दिगंबर यादव को बुधवार की देर रात को उसके घर धोबनिया गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303 7773।